लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रिपरेशन मेथड्स दोनों के, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेटरी मेथड्स पढ़े थे। इस लेक्चर के अंदर अपन अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड्स पर एप्लीकेबल हैं और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सिर्फ कीटोन्स पर ही एप्लीकेबल हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है रोसेनमंड रिडक्शन, रोसेनमंड अपचयन। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ हाइड्रोजन इन बॉइलिंग ज़ाइलीन यूजिंग पैलेटियम ऑन बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट गिव्स और एफोर्ड्स एल्डिहाइड्स। इसके अंदर अपन जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो है एसिड हैलाइड्स या एसिड क्लोराइड लेते हैं रोसेनमंड में, और इसको अपन कैटलिटिक रिडक्शन करते हैं पैलेडियम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, और बेरियम सल्फेट जो यहाँ पर है वो एक पॉइजन की तरह से एक्ट करता है, विष की तरह से एक्ट करता है, मतलब ये रिड्यूस करता है अपना जो कैटलिस्ट है पैलेडियम की रिएक्टिविटी को, जिससे कि रिडक्शन जहाँ अपना रिक्वायर्ड है वहीं तक रुक जाए। और ये अपना ज़ाइलीन है, सॉल्वेंट की तरह से काम करता है, इसको अपन को बॉईल करना पड़ता है और अपने को एल्डिहाइड मिलता है। यदि अपन यही कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन बेरियम सल्फेट की एब्सेंस में करेंगे तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और वो एल्कोहल बना देगा। बट अपना जो डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है अपना, अब उसको पाने के लिए अपन ने क्या करा है, बेरियम सल्फेट लिया है जो इसकी पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। सो बेरियम सल्फेट एक्ट्स एज अ पॉइजन टू पैलेडियम कैटलिस्ट, सो एल्डिहाइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदर पॉइजनिंग एजेंट्स आर सल्फर और क्यूनोलिन। बेरियम सल्फेट की जगह अपन सल्फर या क्यूनोलिन भी ले सकते हैं। अब इसकी क्रियाविधि देखिए, अपना एसिड क्लोराइड पैलेडियम हाइड्रोजन, इसके अंदर देखिए कार्बन आपके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आके यहाँ ऐड हो गया और इस कार्बन पर ऐड हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, दोबारा से आपका इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ये ऑक्सीजन अपने इधर इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ से आपका Cl लीविंग ग्रुप की तरह से आपके हैलाइड के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ इस तरह से शिफ्टिंग हुई तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स यूज़ कर लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोन यहाँ से निकल जाएगा और अपन को एल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का एल्डिहाइड्स का, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स विथ लिथियम रीअरेंजमेंट्स। वही सब्सट्रेट लिया है एसिड क्लोराइड, अब अपन इसको किससे रिड्यूस करेंगे, लिथियम रीअरेंजमेंट्स। रिएजेंट जो यूज़ हो रहा है इस काम के लिए मेटल हाइड्राइड, इसको कहते हैं रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये ब्यूटोक्साइड लगा हुआ है ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये जो हमने रिएजेंट लिया है इसमें हमने क्या किया है, जैसे इसका जो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4, H4 में क्या है, चार हाइड्राइड हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, तो वो क्या करेगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत होती है और वो क्या करेगा, जैसे एसिड क्लोराइड के साथ अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो वो उसको रिड्यूस करेगा पहले एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर देगा एल्कोहल्स के अंदर। बट अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर एल्डिहाइड्स है क्योंकि अपन एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन ने इसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस कर दी और हमने सिर्फ, हमको कितना रिक्वायर्ड है, एक हाइड्राइड चाहिए रिडक्शन के लिए, बाकी हाइड्राइड को हमने टर्शरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड, हमने इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी रिएजेंट की, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ द रिएजेंट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड
फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड्स। इसकी बिल्कुल ही आपने रिड्यूसिंग पावर कम कर दी, जिससे कि अपन को सिर्फ एसिड क्लोराइड से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड मिले। तो AR चाहे आप एलिफैटिक एसिड हैलाइड क्लोराइड ले लीजिए या एरोमेटिक हैलाइड्स ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राइटर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मेटल हाइड्राइड रिडक्शन करा और हमें एल्डिहाइड्स मिल जाता है। एल्डिहाइड्स एलिफैटिक से एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक अगर हमने लिया है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये देखिए इसमें पैरानाइट्रो अपन ने जैसे ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, उसमें भी अपन ने इस तरीके से रिडक्शन किया तो अपने को पैरानाइट्रो बेंज ये सॉरी यहाँ पर CHO आएगा पैरानाइट्रो बेंजल डिहाइड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, पैरानाइट्रो बेंजल डिहाइड ठीक है, CHO ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है ये भी एक नेम रिएक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कॉच अभिक्रिया। इसमें आपने लेते हैं इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव विद अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एंड अ ट्रेस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड। इसके अंदर जो स्टार्टिंग कंपाउंड है अपन ने लिया है बेंजीन, और बेंजीन का हमें क्या लगाना है CHO ग्रुप प्रोडक्ट क्या चाहिए CHO ग्रुप, ये मेथड जो है बेंजीन से CHO ग्रुप जो लगा है बेंजल्डिहाइड के लिए ये फॉर्मिलीकरण हो रहा है फॉर्मुलेशन, ये CHO ग्रुप जो है फॉर्माइल ग्रुप इस पर इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मिलीकरण या फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन या इसका डेरिवेटिव। जो फॉर्मुलेशन है इसके लिए हमने जो आपने जो रिएजेंट्स लिए हैं अपन ने वो लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, अपना लुइस एसिड के प्रेजेंस में होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे इधर लिया है और ट्रेस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड और अपन को प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है ये नेम रिएक्शंस अगर आ रहे हैं और एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट नोट आता है तो अपन को सबसे पहले उसके डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर अपन को रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन के अंदर जैसे अपना ये बेंजीन है, नीचे आप लिख दीजिए बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना बेंजल डिहाइड, ये सब आप रिएक्शन लिखिए और फिर नेक्स्ट क्या आएगा इसमें उसकी मैकेनिज्म। इसमें देखिए मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्माइल कैटायन विच एड्स टू बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन द एरोमेटाइजेशन ऑफ द रिंग बाय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन गिव्स एल्डिहाइड। अपन ये पहले भी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन में क्या होती है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, थोड़ा रिकॉल करिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे जो पहला ये दो पदों में होती है अभिक्रिया ये अपन जानते हैं, और इसमें सबसे पहले क्या होगा जो फर्स्ट स्टेप से भी पहले अपन को चाहिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण है वो किससे होगा जो अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और क्यूपरस क्लोराइड लिया है उससे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा क्यूपरस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा इस तरीके का CuClCO, ये फिर अपना HCl और लुइस एसिड के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया तेज होती है, अन्यथा ये नहीं होगी अगर इस तरह का एडिशन कंपाउंड ना हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि फॉर्मिलीकरण होगा HCCOO में आपके H और Cl जुड़ जाएगा और आपको H जुड़ा फॉर्माइल कैटायन का निर्माण होगा प्लस क्यूपरस क्लोराइड निकल जाएगा आपके, ये सिर्फ अपने रिएक्शन एनहेंस कर रहा है और जो लुइस एसिड है वो अपना जो हैलोजन है ये प्रोटॉन ये जो हैलोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा इससे, इसका ये काम ही है कि ये हैलोजन इसमें से निकाले एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और अपने को जो फाइनली अपना जो डिजायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स ने ही वो अपने को फॉर्माइल कैटायन मिल जाएगा।
अब इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्माइल कैटायन विच एड्स टू बेंजीन टू फॉर्म अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये दो पदों में अभिक्रिया है। पहले स्टेप में आपका स्लो स्टेप होगा और फॉर्माइल कैटायन आपके इस पे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इसमें अपन ने लोकलाइज्ड बॉन्ड दिखाए हैं, सारे आपके छह कार्बन इक्विवेलेंट है। मान लीजिए अपने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर ज़्यादा हो गए तो फॉर्माइल कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का काम करेगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका जो रिच स्पीशीज होगी वहाँ पर यहाँ ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मान लीजिए तो ये आके आपके इस पर अटैक कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी इधर तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इस पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखिए इसकी एरोमेटिक सेक्सटेट डिस्टर्ब हो गया है। ये अपने क्या होगा, फिर से डीलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस के कारण। आपके डीलोकलाइजेशन के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस पर और फिर से आपका इधर से डीलोकलाइज फर्दर होगा और दूसरे ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। मीन्स जो एरिनियम आयन जो इंटरमीडिएट आयन है उसमें डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। इसे अपन इंटरमीडिएट बना है जिसे अपन एरिनियम आयन या वीलेंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होगा और ये वेग निर्धारण पद ये कहलाता है। पूरा डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। जो नेक्स्ट स्टेप है ये सेकंड स्टेप है, ये फास्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोटॉन यहाँ से है अपना एरोमेटिक सेक्सटेट रीगेन होगा। तो ये जो आपका यहाँ से ये प्रोटॉन जाएगा और डी प्रोटोनेशन होगा और ये Cl4 एक Cl के साथ मिलके HCl बना देगा और अपने को डिजायर्ड एरोमेटिक सेक्सटेट दोबारा मिल जाएगा और अपने को बेंजल डिहाइड मिलेगा। मीन्स ये दो पदों में अभिक्रिया हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापी अभिक्रिया इसमें हुई है गेटरमैन कोच अभिक्रिया के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही है वो है फॉर्माइल कैटायन, इसका निर्माण हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl एल्यूमिनियम क्लोराइड लुइस एसिड की प्रेजेंस में जो कि हेलोजन कैरियर हेलोजन वाहक का काम करता है। क्यूप्रस क्लोराइड अपने इस तरीके कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है और इस तरीके से अपन को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो है गेटरमैन अभिक्रिया। गेटरमैन अभिक्रिया भी बिल्कुल पहले जो अपन ने पढ़ी वो गेटरमैन कोच थी। गेटरमैन अभिक्रिया भी बेंजीन के साथ ही है, सबस्ट्रेट अपना वही रहेगा बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, सिर्फ जो रिएजेंट्स हैं वो अपने इसमें चेंज होंगे। वो वाला गेटरमैन कोच रिएक्शन थी और ये है गेटरमैन अभिक्रिया है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड टू अफोर्ड एल्डिमीन विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, अपने को शुरू में ही अपने को वहाँ पर सीधा ही बेंजल डिहाइड मिल गया था, यहाँ पर एल्डिमीन मिलता है और उसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन करते हैं तब हमें बेंजल डिहाइड मिलता है। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है वो है देखिए HCN लिया है उधर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अपन ने लिया था फॉर्मलीकरण के लिए, फॉर्माइल कैटायन के बनाने के लिए। अब इसमें देखिए किस तरीके से फॉर्मलीकरण हो रहा है, नेट रिएक्शन वही हो रही है रिएजेंट बेंजीन प्रोडक्ट CHO एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हेलोजन वाहक का काम लुइस अम्ल कर रहा है, HCl भी है, बस चेंज कहाँ आ रहा है गेटरमैन में HCN CO की जगह HCN हो रहा है देखिए। और एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर जो हाइड्रोलिसिस इसके अंदर जुड़ गया तब अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिला है। इसकी क्रियाविधि देखिए, अब इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा फॉल्ड इमीन कैटायन बनेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है अभी अपन ने पिछले रिएक्शन में भी डिस्कस किया गेटरमैन कोच पे, ये दो पदों की अभिक्रिया है। सबसे पहला जो अभिक्रिया इसके अंदर होती है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। अब देखिए इसके अंदर HCN प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इमीन आया CH डबल बॉन्ड NH इमीन यहाँ पर अपने पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 ये अपना जो है कहलाता है फॉर्म। इधर आप देखिए इधर पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इधर देखिए आप CH डबल बॉन्ड NH इस पे विजिबल नहीं हो रहा है, इधर देखिए CH डबल बॉन्ड NH ये बनता है फॉर्म एल्ड, इधर भी आप लगा लीजिए पॉजिटिव चार्ज, फॉर्म एल्ड इमीन कैटायन आपका बना है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। यहाँ पर अपन ने बेंजीन का अपन ने लोकलाइज्ड बॉन्ड दिखाए हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा है तो इस कार्बन पर ये फॉर्म एल्ड इमीन अभिक्रिया करता है और उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा, एरिनियम आयन मिलेगा और इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप जिसके अंदर इंटरमीडिएट बना है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन ने नहीं दिखाए हैं, ये इंटरमीडिएट एरिनियम आयन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसमें अपना डीलोकलाइजेशन ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर एज यूजुअल स्लो स्टेप है ये और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग निर्धारण पथ होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया का। पहला स्टेप मंद गति से और दूसरा स्टेप है जो पद है वो तीव्र गति से होता है, फास्ट रिएक्शन है। एंड इसमें क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा और अपना एरोमेटिक सेक्सटेट रीगेन हो जाएगा, एरोमेटिक सेक्सटेट हमें वापस मिल जाएगा स्टेबल कंपाउंड और यहाँ से अपना CH विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस अपना HCl का निर्माण होगा। अब इसमें अपन को फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड नहीं मिला है, इस ये मिलेगा अपने को एक स्टेप और ऐड हो गया गेटरमैन कॉच से, ये डिफरेंट है और इसमें एक पद और आ गया हाइड्रोलिसिस का जल अपघटन। जल अपघटन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, फिर आपका वापस से निकल जाएगा प्रोटॉन का एडिशन हुआ एलिमिनेशन हुआ, इस तरीके से इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जो नेट अभिक्रिया होगी वो देखिए हाइड्रोलिसिस O यहाँ और H2 तो अमोनिया निकल जाएगा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और अपने को बेंजल्डिहाइड मिलेगा, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। इससे अपन को क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। दोनों रिएक्शंस है, एक गेटरमैन कॉच और गेटरमैन रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखें दोनों एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है कि इसमें फॉर्माइल कैटायन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में होती है, क्यूप्रस क्लोराइड और इसमें कैटेलिस्ट का काम करता है, जबकि गेटरमैन अभिक्रिया में अपने को इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाने के लिए अपन HCl और HCl यूज़ करते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो है फॉर्म एल्ड इमीन कैट आयन, फॉर्म एल्ड इमीन कैट आयन आपको यहाँ पर मिलता है और ये अपने ऐड होता है एल्ड इमीन बेंस एल्ड इमीन बनाता है, ये बेंस एल्ड इमीन बना हुआ है यहाँ पर और इस बेंस एल्ड इमीन के हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये कुछ विधियाँ थी जो सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाने के काम में आती थी। और रोजनमेंट अभिक्रिया है जो कि मेटल रिडक्शन है, मेटल कैटलिस्ट रिडक्शन, हमने मेटल हाइड्राइड रिडक्शन देखा, हमने उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी कम करी कि अपने को एल्डिहाइड मिल जाए। उसके बाद दो रिएक्शंस अपन ने पढ़े, गेटरमैन कॉच और फॉर्मिलीकरण से रिलेटेड है और गेटरमैन रिएक्शन इसमें फॉर्म एल्ड इमीन बनता है और उसके हाइड्रोलिसिस से फॉर्मिलीकरण हो जाता है, इनडायरेक्टली फॉर्माइल ग्रुप इसमें आ जाता है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कीटोन्स के पढ़ेंगे। थैंक यू।